अब तो सोच लिया कि तार माई बाप के उन्हें खे जाए। हे गाइस बहुत सब नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तीसरा ब्लॉग है आज घर का। तो गाइस अभी मम्मी कुछ अच्छा सा लाइन बोली थी। मम्मी बोले कि हाँ बोली, अभी कुछ बोल रही थी मम्मी। ना, ना बोला। मम्मी बोले कि तुम 30 दो, तो हम बोले कि ठीक है आप 55 दीजिए। पापा कह रहा घटा के 25 दे। तो 25 में फिर बोले आम धमकी मिल रही है गाइस। लेकिन तो गाइस अभी बात चल रहा था कि मम्मी कह रही कि तुम दुआ क्यों बोलते हो। हम बोले कि अरे हम थोड़ी बोलते हैं, तो आप करती हैं, आप उसको तो करेगी, आप उसका वीडियो बनवाती है, मेरे वीडियो में मुंह बना लेती हैं। तो आप क्या बोल रही थी? अरे मुंह में वैसा ना है तो क्या करे, प्लास्टिक सर्जरी करा ले ना। जिस तरह बोली थी उस तरह बोली, काय को बोला, टोन बना के बोली थी। टोन फिर देख रहा है मेरा टोन में ऐसा है। चलिए अब हमको बहुत दूर जाना है। वीडियो में ये कुली को मैं बन कर तो गाइस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। रात को पापा जाते हैं, हम रात को ट्रेवल करते हैं क्योंकि तो दिन में सो गए, सुबह आके सो गए, रात को आ गए थे। हम पूरा साथी थोड़ी देखे हैं, गुरु था उसके बाद आ गए। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला। कल जाइए आराम करो। ठीक है चलिए पापा। पहले बोलना ना तू, हम तरस जो क्वेश्चन करता नहीं, अगर तू जवाब दे के जा साफ बात मां। अपने घरों में सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है इसीलिए बोलता हूँ मैं वीडियो में आजकल थोड़े दिन से, जा भी रहे मस्त रहे। एनिवर्सरी गिफ्ट मेरा मांगा तरह का, इतना सोच कर रही है। क्या मांगा तरह? एनिवर्सरी गिफ्ट हमरा के दलो बड़ा। अरे हमको दीजिए, मेरा पार्टी सालगिरह थी मेरे यहाँ, अब अंबाला में थी, मेरे पार्टी में अंबाला में थी। नहीं पापा का दे हुआ, हमरा का नखा दे, तारा का तो कोपो जिंदगी में ना, मनीषा का दे दम, तारा का ना दे जा। ठीक पापा से नहीं मांगेंगे, छोड़िए पापा का तो दे ला, पापा से लो, हमरा का ना दे ला। सुन रहे हो गाइस? चलो तो दुबई के कान में के लिए लोड़ा है वो। हाँ हमको याद ही नहीं पड़ता, हमारे पास तो यही एक खासियत कि हम कर देते हैं। एक और टॉप्स दे लो बड़ा, एक और दिए ऑडियंस में कमेंट करके याद दिला देता इनको, इसीलिए बताइए पट पट। हाँ हाँ तो मम्मी हमको आज तक एक भी गिफ्ट नहीं दिए गोल्ड का, ये तो झीटे हैं भाई, ये झीटे हैं। कौन सा? हनुमान जी का। उसको पहनेंगे अब कभी कभी, पता नहीं। लॉकेट दिए थे इसको बर्थडे पर। चलो गाइस थैंक यू सो मच, अब एंड करते हैं इस ब्लॉग को, निकलते हैं अब यहाँ से, अब नेक्स्ट ब्लॉग में। हे गाइस बहुत सब नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तीसरा ब्लॉग है आज घर का, तब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। चलिए आप लोगों को पता है एक बात बताऊँ, मैं पोंछ पे पानी का बात अलग कह रही है, कहाँ से इतनी धूर्त पैदा हो गई। ये मेरे से कोई बैठ कर कुछ आइडिया लेती है ना, उल्टा इन पे भारी पड़ जा रहा है क्योंकि तो कह रही है कि पोंछ पर साफ पानी नहीं चढ़ के देख। ये अच्छा कहावत है ना, पोंछ पर पानी नहीं चढ़ना मतलब मुसीबत नहीं आने देना। ना, पलड़ा झाड़ रहा एकदम। अच्छा पलड़ा झाड़ दे रहा है ऐसे एकदम, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा कोई पलड़ा झाड़ने वाली बात नहीं है, जब जिसको जहाँ जरूरत पड़ता है हर कोई वहाँ पे रहता ही है। मेरे लिए कोई नहीं रहता है, मेरे लिए कोई नहीं रहता है, मुझे खुद करना पड़ता है। मम्मी आपका चार्जर लेके जा रहा है बस, एक चार्जर, नया चार्जर देना आपको, दूसरा ना हम नहीं लेंगे। अरे तार ना ले, उसका गारंटी है। नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, तू लेके जा उस चार्जर, अभी खरीदे हैं वो चार्जर, तू लेके जा, उसका गारंटी है। पप्पू मोबाइल पे आप चेंज ना 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 ना, हमको सी टाइप चाहिए। उस समय भी हमारे ले लिया था ही, और उसके बाद हमको नया चार्जर आपको दिए थे कि नहीं? नहीं खराब हो गया तुम्हारा। रुकिए इसको देखने दीजिए, देखने तो दीजिए, हम ला देंगे अपन चार्जर, देखने नहीं दे रही। जो जो अपना चार्जर नहीं दे सकती है। हां जा तू दिलागा, इतना दिन से हम नहीं लिए थे आपका चार्जर, तुम बाबू ले गया था, बोला कि मम्मी दीजिए आज मांग रहा। मेरा चार्जर तो फंक्शन में गायब हो गया, बाद में जाइए कल जाइए। नहीं मम्मी हमको जाना है कल शिवरात्रि, ये पूरा भीड़ रहेगा। चलिए आप लोग कराइए, अब आप पहले से बताइए, नहीं जाने के टाइम टोकना नहीं चाहिए।
हमको निकलना, आराम करो बरा, कल रुद्राभिषेक करा के जाइए रात। मम्मी बहुत दूर जाना है, आपको भी पता है हमको टाइम नहीं है। अब रुद्राभिषेक भोलेनाथ का आशीर्वाद बस बना रहे हैं। अब आप पहले बताती हमको, अब निकल रहे हैं, जब जा रहे हैं गाड़ी पकड़ने, फोन था, मोबाइल था, मैसेज था, फिर वही बात देख रहे हैं गाइस। अभी निकल रहे हैं घर से तब बता रही हैं, और कल कहेंगे कि हम बताए थे तो अभी भी नहीं रुका, इसका भी हम बताते हैं। कल रुद्र अभिषेक करवाना है, रह जाओ, उसको भी ले लेना जाके। मम्मी कल हमको यहाँ से जाना, हमको परसों एक अर्जेंट काम है, बात नहीं सुनता है इसीलिए गुस्सा आता है। परसों हमको अर्जेंट काम है, कुछ मेरा अच्छा खासा काम होने वाला है, वो हम नहीं चाहते कि हाथ से अपॉर्चुनिटी जाए। ठीक है, तो कल हमारे पास टाइम है, तो कल हम सुबह सुबह का निकलेंगे तब रात तक पहुंचेंगे, तो हमको जाना है। इसका प्लानिंग फिक्स रहा, और मेरा कुछ कुछ ऐसा प्लान है जो मैं अभी किसी को कोई चीज नहीं बताने वाला हूँ, जब हो जाएगा तभी मैं बताता हूँ, ये मेरा आदत है ना, कुछ बड़ा होने वाला है। मम्मी भगवान गेस कीजिए, गेस कीजिए क्या होने वाला है, पता ना होगा। तो आप लोगों को जब हो जाएगा सारा काम तब आप लोगों को पता लगेगा। कैसी है ये उदासी छाई, देखो कोई काम नहीं होने वाला है, लेकिन खाली बोले बड़ा काम तो मम्मी का मुंह यही तो कागवरी खराब करता है। तो आप क्यों सेट बनाइए, आपका दिखाएं भी एक्शन दिखाओ। चलिए तो आप मम्मी जा रहे हैं खुशी खुशी, ठीक है, जो हम बोले हैं वो बात को क्लियर करो पहले, उसके बाद जाओ। हम आ रहे हैं फिर से, ऐसा थोड़ी हमेशा के लिए जा रहे हैं, जाके आ रहे हैं, जाएंगे फिर। आने जाने के बाद अलग है, आओ जाओ उससे कोई बात नहीं है, लेकिन जो हम लोग एक गार्जियन है बैठे हैं तुम्हारे से बात करने, घर के बात सब लोग कहता है कि आपस में समझिए। पापा सब समझ चुके हैं, आप ही को समझना है। हाँ जी आप समझ लिए हैं पापा, एक बार फिर से तब आप समझे, आती हैं तब एक बार फिर से। हम जानते हैं कि हम बोलेंगे सुनेंगे पापा, ऐसे बोलिए ना ऐसे, तब क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अब पटीदारी हो गया इसीलिए नहीं। हाँ दोनों भाई में पटीदारी हो गया, इसीलिए नहीं होता। अब भाई घर में एगो काम करना है ना, तो ना ई देंगे ना वो देंगे, तो इस घर को क्या काम है। हम बोले कि घर में हमको काम कराने दीजिए, हमको पूरा फुल फ्लेज दीजिएगा, काम के देंगे तुमको, दे देंगे उसको ढूकने नहीं देगा, हम कराएंगे कि हमारे दोनों तीनों बच्चा के लिए। हम ऐसा आदमी नहीं है मम्मी, ढूकने नहीं देंगे। पापा बेंच लग गया। तो गाइस मम्मी अभी कुछ कह रही थी, बोलिए क्या बोला, क्या बोला। ये तो बोल रहा है कि अब तो सोच लिया कि तेरा माई बाप के उ नहीं कह जा, पापा से ही बोलवाई ये लाइन। हाँ पापा पैरवा हटा दीजिए। हाँ पापा बोलिए, क्या बोला मम्मी, जो बात बोली वो सही बात है। मम्मी पहले क्या बोली है, पहले ही बोली है कि हम लोगों को पैसा चाहिए हर महीना, बाद अगर नहीं देता है तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है नहीं बोली है, क्या बोली है जी, फिर से बोलिए, पापा नहीं सुने। हम नहीं बोलेंगे कुछ, हमारा बात तो तुम दिखाएगा ऑडियंस को, तुम अपना बात नहीं दिखाएगा। मैं अपना बात भी दिखा देता हूँ गाइस, क्या मेरा बात ही नहीं है कुछ, मेरा तो बात है कुछ नहीं है, आप ही का बात है। चले हम जा, मेरे को पिछले 1.5-2 घंटा से यहाँ पे बिठा बिठा के एक ही बात पे घूमा जा रहा है, लेकिन ये बात है तब वो तो नहीं चढ़ा। बात ये है तो हम बोले कि नहीं भाई, पैसा का बात है कि पैसा देने पे पैसा ये लोग तुरंत मम्मी काउंट करा देती हैं कि इतना लाख तो दिया है, ठीक है तो खराब करते हैं, तो इसीलिए हम बोले कि हम पैसा ना देंगे ना हम काउंट कराएंगे, हम भले इतना सारा काम कर देंगे कि आप पैसा से उसको नहीं गिन पाइएगा, चलो जा काम खत्म। इसीलिए हम काम करते हैं कि आप पैसा गिन ही नहीं पाए, क्योंकि आप गिनिएगा तब बोलने लगे। कौन काम किया है जैसे कि हम बहुत सारा काम किए जो हम नहीं बताएंगे, वो नहीं, नहीं, हम क्योंकि गिनाना नहीं चाहते, बता दो गिनाना नहीं चाहते। दोनों ओर से लपेट रहा है, आप लोग नहीं समझते हैं इसका बात का, कह रहा है कि हम ऐसा काम करेंगे कि जो गिनाना ना पड़े, ऐसा काम हम गिनेबे नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, हम काउंट क्यों करें अपना काम, जो काम किए मेरा फर्ज है, मेरे को अपना फर्ज लगा, मैंने अपना किया काम खत्म, अभी और मेरे को जितना मेरी शक्ति होगा उतना मैं करूँगा। सब बात एक तरफ है, यहाँ पे सिर्फ मम्मी का और मेरा सोच का फर्क है, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा तू जो सोच रहा है ना, तुमसे कदम आगे हम चल के सोचे हैं, ये घर बनाया है तो तुम दोनों के लिए बना है, जमीन खरीदे हैं तो तुम लोग के लिए खरीदे हैं, अब मेरा क्या है। मम्मी आप हर बात के पीछे, हर बात के पीछे, जमीन घर प्रॉपर्टी
पैसा ये सब चीज नहीं होता है, सुकून होना चाहिए। सुकून तुम कहा सुकून सुकून आई एम अर्निंग नहीं सुकून नहीं सुकून कहाँ सुकून कर रहा है तुम? हम सुकून के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम जब घूमते हैं गाड़ी में चलते हैं हमको सुकून मिलता है। ये कौन सुकून है? अपने बाल बच्चा के साथ, माई बाप के साथ, वो आपका सबके साथ रहना चाहिए अच्छे से। कब यहाँ कब वहाँ कब वहाँ कब वहाँ घूमते रहना है, वो मेरा सुकून है। घर बनवा लिया एकदम आलीशान, एक दिन घर नहीं महल क्या है वो? कर रहा है सब क्या है वो? सब महल कुछ महल है, महल शीश महल। चलिए शीश महल तो बनवाने लायक तो बना ना एक बेटा और कैसे। और इनको गाइस इनको बिना बताए मैं जमीन खरीदा था, सुनो ना बहुत मतलब बता दिया थोड़े दिन पहले और जैसे बताया उससे रजिस्ट्री कर दिया। चलो बढ़िया है तो मम्मी को खुश होना चाहिए, लेकिन मेरे को क्या पता कि ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा बम होगा। घर बना लो नहीं बड़ी बात है, उसको इज्जत करो उसमें रहो, जानता है घर बंद रहता है। मम्मी इस 2024 में एक और बनाएंगे, उसमें आत्मा का वास हो जाता है घर में। सही कह रहे हैं, घर बंद करके रखने पर वहाँ बंद नहीं है मम्मी है, इंसान को रखा वहाँ पे मंदिर में डेली पूजा होता है वहाँ पे है आंटी, रहो आंटी हैं डेली पूजा होता है, गौतमी की मम्मी है, मम्मी है, अरे है भाई डेली बात होता है। तो गाइस चलो अब निकलते हैं यहाँ से, घर से ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, चलते हैं मनीषा के पास।